हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे स्विफ्ट 2015 का VXI मॉडल में जो टायर आता है, जो हमारा कंपनी देता है टायर का साइज जो होता है, बेसिकली वो 165/80R14 का होता है। तो बहुत लोग चाहते हैं कि उस टायर पे उनको ग्रिप अच्छा नहीं मिलता है, ब्रेकिंग में इशू आता है, टायर पतला होने के कारण ब्रेकिंग ज़बरदस्त नहीं होता है। तो जो लोग चाहते हैं कि टायर थोड़ा अपग्रेड करें, साइज का थोड़ा अपग्रेड करें, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। कोई भी चाहे तो अपग्रेड कर सकता है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक साइज है जो कि ऐसा कोई भी टायर लगा देने से नहीं होता है। कंपनी का जो रिकमेंड होता है, ये जो VXI मिड वेरिएंट है, इसका जो टायर है ये एलॉय व्हील में नहीं आता। तो इस गाड़ी के साथ कंपनी ने जो टायर दिया था वो था 165/80R14 का। अब मैंने क्या किया है, ये देख सकते हैं आप, 185/70R14, मतलब ये जो 185 है, 165 था, ये जो 70 है ये था 80, और ये 14 का 14। मैं आपको थोड़ा बता दूं, मुझे जितना पता है 185 का मतलब ये होता है, ये 185, और जो ये 70 है, 70 का मतलब ये वाला हिस्सा टायर का, ये 70 है। R14 का जो है ये रिम साइज है, 14 रिम साइज। तो ये पहले था 165, अब है 185, मैंने अपग्रेड कर दिया है। ये पहले था 165, मतलब ये जो टायर था इतना चौड़ा है, ये पहले था करीबन यहाँ तक का, इतना ही आता है। अभी का भी जो स्विफ्ट आता है या डिजायर आता है, VXI मॉडल जो है या बेस मॉडल है, वो इतना ही आता है। तो टायर अपग्रेड करने के बाद टायर का जो साइज है, दूर से भी आप देख सकते हैं जो चौड़ाई है टायर का, वो कहीं ना कहीं यहीं तक ही आता था 165। अब जो 185 हो गया है तो ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया है। और एक बात मैं बता दूँ आपको कि ये आगे वाला जो टायर है ये अपोलो का है, आप देख सकते हैं, और पीछे वाला जो है वो है ब्रिजस्टोन का। ब्रिजस्टोन मैंने पहले लगाया था, मैंने सुना था कि ब्रिजस्टोन अच्छा टायर है, बहुत अच्छा लास्टिंग है, ब्रेकिंग ज़बरदस्त है, और ब्रिजस्टोन कंपनी अच्छा है, लेकिन अपोलो भी इतना बुरा नहीं, अपोलो भी बहुत बढ़िया है। तो अपोलो के बारे में सुना था, तो मैंने क्या किया, पीछे वाला दोनों ब्रिजस्टोन लगा दिया और आगे वाला दोनों अपोलो का लगा दिया। साइज सेम ही है, 185/70R14। पीछे वाला का साइज है, देखते हैं कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे 185/70R14। साइज सेम है, सिर्फ कंपनी अलग है, साइज दोनों का सेम ही है। आप देख सकते हैं ये 2013 का मॉडल है, जो पेट्रोल का आता है VXI मॉडल। टायर अपग्रेड करने के बाद मैं पर्सनली बताऊं तो टायर में ऐसा कुछ इशू नहीं है। या इसका एक्चुअली मेन जो डिफरेंस था वो ग्रिप का था, चौड़ाई ज़्यादा हो गया है। अबकस तो ग्रिप तो अच्छा मिलेगा ही, ब्रेकिंग भी ज़बरदस्त मिलेगा पहले से मुकाबले। लेकिन मैं आपको इसका कुछ डिसएडवांटेज और कुछ जो इसका प्लस पॉइंट है वो बताऊँगा, तो देखते रहिएगा। ये देख सकते हैं आप टायर अपग्रेड करने के बाद पहले जो साइज था 165 यहाँ तक था, अब है 185। तो इन दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है, चौड़ाई का सिर्फ ग्रिप है, लेकिन ये जो साइज है 185/70, ये था पहले 80 का, तो ये 70 हो गया है, 80 था और 2 mm, तो कहीं ना कहीं 10 mm के वजह से थोड़ा सा कंफर्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि लाइट है, पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन हाईवे पे ये सब पता नहीं चलता है। लेकिन 10 mm ये कम हो गया है, लेकिन इसके कम होने की वजह से ये जो हमारी चौड़ाई है ये बढ़ गया है, 185 हो गया है। तो कम्फर्ट के मामले ये ब्रेकिंग ज़बरदस्त देता है, हैंडलिंग ज़बरदस्त देता है, तो वो सब इशू नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो गाड़ी है पेट्रोल VXI का 2013 मॉडल कितना चल चुका है, मैं आपको दिखा दूं, ये आप मीटर में देख सकते हैं, 1,15,785 km, मतलब कि ये गाड़ी 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। लेकिन 1 लाख के बाद हम अभी ये टायर अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि साइज का है,
लेकिन एलॉय में कोई भी हमने नहीं सोचा है, क्योंकि गाड़ी तो पुराना है ही, तो एलॉय का सोचेंगे बाद में अगर होगा तो। इसके साथ भी आपका कोई इशू नहीं है, मैं आपको जो बता रहा था कि माइलेज का आप लोग सोच रहे होंगे कि माइलेज के लिए या माइलेज कम हो जाएगा या कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं है। माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा आपका, अगर गाड़ी आपका 18 की माइलेज दे रहा है या 19 की माइलेज दे रहा है या 17 की माइलेज दे रहा है, कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का फर्क अंतर आएगा, नहीं तो अंतर नहीं आएगा माइलेज का। लेकिन आपका जो ग्रिप है, आपका ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त हो गया है। पहले जो साइज था 165 ATR 14 का, वो साइज में क्या है कि बारिश के टाइम में आप देखते हो कि आपके गाड़ी में भी है, तो वो ठीक है स्लो स्पीड में ठीक है, लेकिन हाईवे पे जब आप रन करते हैं तो वो ब्रेकिंग मतलब नहीं, वो ब्रेकिंग नहीं चलता, थोड़ा ब्रेकिंग मतलब चाहिए उस तरह की। हाईवे पे जा रहे हैं 80-90 की स्पीड पे हैं या 100 पे हैं या 120 पे हैं, तो ब्रेकिंग ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि माइलेज तो बाद में आपको, मेरे हिसाब से सेफ्टी पहले है गाड़ी का। तो सेफ्टी के रेंज में देखने के लिए ग्रिप तो जो लोग चाहते हैं कि मेरे टायर थोड़ा अपग्रेड हो, और एक साइज आता है मैंने भी देखा था वो, मतलब ये जो साइज था ये 175 था और 70R14 सेमी था, ये सिर्फ था 175, मतलब मेरा जो पहले था वो 185 था, 185 था, तो इसको 175 भी देखने लगे। लेकिन मैं पहले से ही दो साइज ऊपर हूँ, मतलब 165 आता है, मैं 185 हूँ। 175 चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, लेकिन 175 में आपको उतना मतलब अंतर नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन 185 एक बार ट्राई करके देखें आप, मेरे हिसाब से माइलेज का कोई वैसा अंतर नहीं, हाली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का ही माइलेज दिखेगा अंतर, लेकिन माइलेज में उतना ये नहीं है। मेन चीज़ जो है वो है आपके सेफ्टी का, ब्रेकिंग अगर आपका नहीं होगा तो आप अगर मान लो हाईवे पे निकल रहे हो, भगा रहे हो गाड़ी को 120, 110, 100, तो ये गाड़ी ब्रेकिंग आपको नहीं देगा। ये जो गाड़ी तो पर्टिकुलरली ये तो ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट आया है उसका तो ब्रेकिंग मतलब पूछो ही मत, क्योंकि उसका जो ब्रेकिंग है वो बोलने के लायक ही नहीं है। हाई स्पीड में उसका ब्रेकिंग काम ही नहीं करता ऐसा लगता है। तो ब्रेकिंग ज़बरदस्त करने के लिए आपको ये टायर तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। जो लोग सोचते हैं कि टायर अपग्रेड करने के लिए ये कितना पैसा होगा या गाड़ी में कुछ इशू आएगा क्या, तो आप एक बार देख लीजिए, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो हैं। तो जो अपग्रेड का जो साइज है ये तो VXI मॉडल है, इसका जो टॉप वेरियंट आता है ZXI में क्या आता है 185 65 या 70 आता है, R15 का आता है, तो 185 ही आता है जो टॉप मॉडल है उसका। उसका जो टॉप मॉडल है 15 इंच एलॉय के साथ वो 185 का रिम ही देते हैं, तो 185 का टायरिंग देते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं, 185 आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला था कि ये गाड़ी 1,15,000 कुछ समथिंग चल चुका है, तो इसमें हम एलॉय का अपग्रेड कुछ सोचे नहीं। और एक बात और भी है कि हमारा जो गांव के रास्ता हैं वो इतने अच्छे नहीं है, मतलब एलॉय के टूटने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो इसीलिए एलॉय पे नहीं गए। लेकिन हम चाहेंगे तो एलॉय पे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 14 इंच का एलॉय मारुति का जेन्युइन आता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि ये जो टायर है मेरे को कितना में पड़े। पिछले का जो टायर है 185 70R14 का, वो भी ब्रिजस्टोन है, सब ब्रिजस्टोन ही है। तो ब्रिजस्टोन का टायर का क्या है कि मैंने सुना है ब्रिजस्टोन जो टेस्टिंग में आता है, ब्रिजस्टोन टायर जो है वो आपको ब्रेकिंग थोड़ा सा अच्छा रहता है, एप्पल हो या सीएट हो किसी भी कंपनी के, ब्रेकिंग ज़बरदस्त रहता है और आप लोग अभी ठीक ठाक है। लेकिन मैंने ब्रिजस्टोन पहले आगे लगाया हुआ था तो इसको पीछे लगा दिया और आप लोगों को सामने में लगा दिया। अब देखिए आपके लिए ये टायर आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे माइलेज का ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 किलोमीटर का अंतर आएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं खुद टेस्ट कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो टायर आता है पहले का, जो कंपनी फिटेड टायर आता है जो 165R ATR 14 का, वो शायद आप लोग का भी आपको 3,3200 या 3,3300 के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये जो टायर है मेरे को ब्रिजस्टोन का जो पिछले वाला है वो मेरे को पड़ा था 45,000 के पास, और अपोलो जो
है वो 44,000, तो 100 रुपये का अंतर है। आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं, मैं दोनों को ट्राई करने के लिए दो दो लगाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं लगा देंगे, कोई असुविधा कोई ये मतलब सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि टायर अपग्रेड करना चाहिए तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है 185 वही टायर पे आप जाइए, बाहर के या कोई आफ्टर मार्केट चीज जो आता है वो ज्यादा चौड़ाई के टायर होता है वहाँ मैं पर्सनली वो रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन ये जो टायर है ये बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये कंपनी का रिकमेंड टायर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका टायर भी बाहर नहीं निकलेगा, टायर ठीक गाड़ी के अंदर बड़ी के साइज से ही रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा लगेगा जैसा कंपनी का फिटेड टायर ही है। तो ठीक है, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो किसी नए चीज़ के बारे में, गाड़ी के बारे में जानेंगे।